नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में मैं बात करूंगा राज्य के उदारवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में। इससे पहले आपने राज्य के आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ा, जहाँ आपने देखा कि राज्य का आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य राज्य को एक समाज की आदर्श संस्था मानता है, सर्वोच्च संस्था मानता है और समाज की एक शक्तिशाली संस्था मानता है। वो कहता है कि राज्य एक साध्य है, मनुष्य और मानव समाज एक साधन है और यह राज्य को कहीं ना कहीं समाज की पवित्र और एक पुण्य संस्था मानता है। लेकिन राज्य के आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य के विपरीत या उसके प्रतिफल स्वरूप या उसके विरुद्ध स्वरूप राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य विकसित हुआ। राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य राज्य को एक साधन मानता है और कहता है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, यानी राज्य का निर्माण समाज ने किया है सामाजिक हित के लिए, समाज की भलाई के लिए। इसलिए राज्य एक साधन मात्र है, राज्य कभी भी सर्वोच्च नहीं हो सकता है। राज्य का उद्देश्य है मानवीय समाज का कल्याण करना, मानवीय समाज की भलाई करना। राज्य के उदारवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा करूँ, उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि उदारवाद क्या है या उदारवादी विचारधारा का विकास किन किन चरणों में हुआ। तो उदारवाद एक विचारधारा के रूप में इंग्लैंड में विकसित हुई। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उदारवादी विचारधारा का उद्भव हुआ, विकास हुआ और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद का विकास इंग्लैंड में या आगे बढ़ करके तीन चरण में हुआ। पहले चरण में उदारवाद जो विकसित हुआ उसे हम कहते हैं शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद। दूसरे चरण में जो विकसित हुआ उसे हम कहते हैं सकारात्मक उदारवाद और तीसरे चरण के उदारवाद को हम कहते हैं नव उदारवाद यानी न्यू लिबरलिज्म। साथियों, नकारात्मक उदारवाद का तात्पर्य क्या है? उदारवाद का वह रूप जो राज्य की सीमित भूमिका पर बल देता है और कहता है कि राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनाना चाहिए। जॉन लॉक कहता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए राज्य को मनुष्य को मुक्त छोड़ देना चाहिए या स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यानी जो राज्य का नकारात्मक उदारवाद है, ये नकारात्मक उदारवाद है, ये कहीं ना कहीं राज्य को कहता है कि राज्य को सार्वजनिक जीवन में अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए, यानी मानव जीवन में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और यही बात बेंथम और एडम स्मिथ भी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि राज्य को समाज में सीमित भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। तो जो 17वीं 18वीं शताब्दी में उदारवाद विकसित होता है उसे हम कहते हैं नकारात्मक उदारवाद यानी निगेटिव लिबरलिज्म, जिसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म यानी शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी में नकारात्मक उदारवाद के विरोध में उसके प्रतिफल सकारात्मक उदारवाद का विकास होता है, जो कि आप देखते हैं आरंभिक उदारवाद राज्य की भूमिका को सीमित करने पर बल देता है। वो कहता है कि राज्य को हस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब राज्य हस्तक्षेप की नीति का पालन करता है तो समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का विकास हो जाता है, विभिन्न प्रकार समस्याएँ जन्म ले लेती हैं। फिर यहाँ पर मांग उठती है कि राज्य को समाज में समस्याओं को दूर करने के लिए सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। तो फिर आप देखते हैं इसमें जे एस मिल, टी एस ग्रीन, हाब हाउस तथा हेराल्ड लास्की से विचारक कहते हैं कि पूंजीवाद के बढ़ते नकारात्मक भाव के कारण राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहिए और मानवीय समाज से समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो सकारात्मक उदारवाद राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल देता है और कहता है कि राज्य समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी भूमिकाओं में विस्तार करे। यहीं आप देखते हैं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का भी उदय होता है और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण राज्य के कार्यक्षेत्र में उसकी भूमिका में विस्तार होता है। तो फिर अगला चरण आता है जब हम फिर मांग करते हैं कि राज्य की बढ़ती हुई कार्यों के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे कहीं ना कहीं मनुष्य की स्वतंत्रता सीमित होती जा रही है, इसलिए राज्य को पुनः अपनी भूमिका को सीमित करना चाहिए। तो फिर 20वीं और 21वीं सदी में एक और नया उदारवाद आता है, जिसको हम कहते हैं नव उदारवाद यानी न्यू लिबरलिज्म। और न्यू लिबरलिज्म सकारात्मक हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप
जो राज्य कर्म विस्तार हुआ उसको पुनः सीमित करने की बात करता है। तो यहाँ पर फिर आप देखते हैं कि आइजिया बर्लिन, एफ ए हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक से बेचारा कहते हैं कि राज्य पुनः अपनी भूमिका में, अपने कार्यक्षेत्र में कटौती करे, सीमित करे। तो फिर ये कहते हैं कि राज्य को रोलिंग बैक करने की बात करते हैं ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित या सुरक्षित रखा जा सके। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो उदारवाद है, उदारवाद के तीन रूप विकसित होते हैं, लेकिन सारे उदारवादों में या उदारवाद के सारे प्रकार या रूप में आप देखते हैं कि व्यक्ति का हित, व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता केंद्र में रहती है। यानी उदारवाद के सभी रूप, उदारवाद के सभी प्रारूप आप देखते हैं कहीं ना कहीं राज्य को एक साधन मानते हैं और राज्य को साधन मान करके उसकी भूमिका को सीमित करने पर बल देते हैं और कहते हैं कि राज्य का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के, समाज के अधिकारों की सुरक्षा करना। तो ये उदारवाद इस तरह से आप देखते हैं विकसित हुआ। अगर हम राज्य के उदारवादी परिप्रेक्ष्य के उस तत्वों के बारे में बात करें, अब राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य किस प्रकार से राज्य को समझता है, तो अगर राज्य के उदारवादी परिप्रेक्ष्य के हम तत्वों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं यह राज्य को एक साधन मानता है। राज्य का आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य राज्य को साध्य मानता था, लेकिन राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य कहता है कि राज्य एक साधन मात्र है जिसका उद्देश्य है, जिसका कार्य है मानवीय समाज का कल्याण करना। यानी राज्य एक साधन के रूप में स्थापित किया गया है या एक कृत्रिम संस्था है या मानव निर्मित संस्था है जिसका उद्देश्य मानवीय समाज के हितों की रक्षा करना है, लेकिन यहाँ पर राज्य को सीमित भूमिका दी जाती है। ये कहता है कि राज्य की भूमिका बहुत सीमित होती है, यानी राज्य केवल उतने ही कार्य कर सकता है, राज्य केवल वही कार्य कर सकता है जो उसको सौंपे गए हैं, अनावश्यक मानव जीवन में या सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो उदारवादी परिप्रेक्ष्य है यह राज्य की आवश्यक बुराई मानता है। कहता है स्टेट इज अननेसेसरी इविल। नहीं, आवश्यक बुराई क्यों कहता है? कहता है कि राज्य आवश्यक है क्योंकि समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए राज्य को होना आवश्यक है क्योंकि उन समस्याओं को राज्य ही दूर कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है यह आवश्यक भी है और बुराई भी है, एक इविल भी है। इविल क्यों है? क्योंकि अनावश्यक कई बार या मानव स्वतंत्रता में उसके क्रियाकलापों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, इसलिए राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य राज्य को एक आवश्यक बुराई, नेसेसरी इविल मानता है। राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य राज्य को सीमित भूमिका थोपता है और कहता है राज्य की भूमिका बहुत सीमित होती है, बहुत लिमिटेड होती है, जिसका कार्य होता है मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा करना। और ये कहता है कि समाज राज्य का विरोध कर सकता है, यानी यदि राज्य समाज के द्वारा दिए गए, सौंपे गए कार्यों को पूरा नहीं कर सकता तो राज्य का विरोध समाज द्वारा किया जा सकता है, उसको समाप्त भी किया जा सकता है, क्योंकि राज्य का निर्माण एक साधन के रूप में हुआ है और जब तक यह साधन समाज के हितों की, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है तब तक राज्य रहता है, अन्यथा राज्य का विरोध करके उसे समाज समाप्त कर सकता है। यानी यहाँ देखते हैं कि राज्य यहाँ पर बहुत सीमित भूमिका के साथ में है, राज्य एक साधन है और समाज का कल्याण साध्य है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि राज्य को समाज से निम्न रखा गया है, उसको अधीन रखा गया समाज के, ताकि वो राज्य समाज के हितों को, समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यदि राज्य के उदारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार राज्य के कार्य के बारे में बात करते हैं तो राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य राज्य की एक सीमित भूमिका को स्वीकार करता है और राज्य को बहुत ही सीमित अधिकार देता है, बहुत सीमित कार्य देता है। जानलाग कहता है कि राज्य का प्रमुख कार्य व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त करता है, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। वह कहता है राज्य का प्रमुख कार्य, राज्य का मुख्य कार्य इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। उसी प्रकार एडम स्मिथ कहता है कि राज्य का कार्य अंतर्राष्ट्रीय युद्धों से राज्य की सुरक्षा करना है, समाज की सुरक्षा करना है, और कहता है कि राज्य का मुख्य कार्य समाज में न्याय व्यवस्था को लागू करना है। और तीसरा कार्य कहता है राज्य का प्रमुख कार्य समाज में सार्वजनिक व्यवस्था का निर्माण करना है। इसी प्रकार से आप देखते हैं तो टीएस ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य व्यक्ति के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, और कहता है कि राज्य का कार्य समाज में जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उनका समाधान करना, उनको समाप्त करना है। इसी प्रकार से आप देखते हैं जब हम जे एस मिल के बारे में बात करते हैं तो जे एस मिल ने भी राज्य की सीमित भूमिका
पर बल देते हुए कहा, राज्य केवल ऐसी परिस्थितियों को निर्माण करे जिसमें व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सके, अपने अधिकारों का, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके। इसी प्रकार से अगर देखते हैं तो जो हाब हाउस है, हाब हाउस कहता है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य समाज में सद्जीवन की स्थापना करना है, यानी व्यक्तियों को सद्जीवन प्रदान करना है। तो अगर हम राज्य के उदारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके कार्यों के बारे में बात करते हैं तो राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य राज्य को बहुत सीमित भूमिका सौंपता है। इसमें कहता है कि राज्य का उद्देश्य केवल समाज में कानून व्यवस्था को लागू करना है, मानव स्वतंत्रता की रक्षा करना है, न्याय की स्थापना करना है, बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना है, यानी राज्य के पास बहुत सीमित भूमिका होती है। और कहता है इसके अतिरिक्त राज्य सार्वजनिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है, उसको पालन करे, और राज्य अपनी सीमित भूमिका का पालन करते हुए इन कार्यों को संपन्न करे, क्योंकि राज्य एक साधन है और राज्य यदि इन कार्यों को, इन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं होता है, जनता के पास उसका विरोध करने का भी अधिकार होता है।